दोस्तों नमस्ते, लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों कुछ अपडेट है ICA और GDRF के हवाले से। तो जैसे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ICA में, ज़्यादा लोग जो लोग ICA में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग छः बार, आठ बार, दस बार अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उन लोगों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको देखिए, एक ही रास्ता है, आपको ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो न्यूज़ है दोस्तों, आफ्टर ईद के बाद अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे GDRF का जो अप्रूवल है वो तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 90% 80% लोगों को अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन ICA में थोड़ा कम मिल रहा है, जैसे 20% 30% ऐसे मिल रहा है। लेकिन आफ्टर ईद के बाद सबको मतलब बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा और परसेंटेज भी बढ़ जाएगा दोस्तों ICA का। तो आप लोग ICA में अप्लाई ऐसे ही करते रहे करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे न्यूज़ आई, देखिए आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त तो 3 अगस्त से UAE में जितना सारा ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सब ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर सब ओपन हो जाएगा ईद के बाद, तो ICA का जो अप्रूवल आप लोगों को मिलते रहेंगे, बहुत जल्दी आप सब मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते रहेंगे। और जो बताए दोस्तों, जिन लोगों के पास ICA की अप्रूवल है वो लोग मतलब UAE का जितने सारे स्टेट है वहाँ पर लैंड कर सकता है, मतलब अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रशल कैम, फुजीरा, मतलब जो 7 स्टेट है यहाँ पर। तो आप लोग अगर आपके पास ICA का अप्रूवल है तो आप अबू धाबी, दुबई, शारजाह, मतलब सब जगह आप लैंड कर सकता है। तो अगर आपके पास GDRF का अप्रूवल है, तो जिन लोगों के पास GDRF का अप्रूवल है वो लोग दुबई और शारजाह इस दोनों जगह लैंड कर सकते हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये गल्फ न्यूज़ ने ऐसे पब्लिश किया, ये एक न्यूज़ पब्लिश किया है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो जैसे ये कहा है कि इंडियन एयरलाइन जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी ऐसे कहा है कि जो लोग जिन लोगों के पास ICA के अप्रूवल है तो वो लोग अबू धाबी, दुबई, शारजाह, मतलब जितने सारे स्टेट है UAE में वो वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। मतलब दुबई भी आप लैंड कर सकते हैं, अबू धाबी लैंड कर सकते हैं, शारजाह भी लैंड कर सकते हैं। और जिनके पास GDRF का अप्रूवल है तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ दुबई और शारजाह इन दोनों जगह पर वो लैंड कर सकते हैं। तो अदर मतलब जिनके पास GDRF का अप्रूवल है वो लोग अबू धाबी लैंड नहीं कर सकते हैं, रशल कैम लैंड नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जो है दुबई और शारजाह ये दोनों जगह में वो लोग लैंड कर सकते हैं, जिन लोगों के पास GDRF का अप्रूवल है। तो यही बात है मैन। लेकिन तो आप लोग, मेरा जो कहना है, आप लोग जब फ्लाइट टिकट बुकिंग करोगे ना फ्लाइट में, तब आप लोग पहले अपना जो एयरलाइंस है, आप जिस एयरलाइंस से आ रहे हो, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, चाहे वो आप पाकिस्तान से आ रहे हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से आ रहे हो, तो आप पहले अपना एयरलाइन से कांटेक्ट करें, वहाँ का जो एयरलाइंस का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर आप कॉल करके पूछे जी हम मेरे पास ICA का अप्रूवल है, मैं क्या दुबई लैंड कर सकता हूँ, मेरे पास GDRF का अप्रूवल है, मैं क्या शारजाह लैंड कर सकता हूँ। जिनके पास GDRF का अप्रूवल है वो तो दुबई लैंड कर ही सकता है यार, लेकिन आप कन्फर्म कर लें कि आप शारजाह लैंड कर सकते हैं, आपके पास GDRF का अप्रूवल है। तो ये आप अपना जो एयरलाइंस है, आप जिस एयरलाइन से सफ़र करोगे उस एयरलाइंस का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप ये कंफर्म कर ले, तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, गल्फ न्यूज़ नहीं है तो ये पब्लिश कर चुका है, लेकिन फिर भी देखिए यह रेगुलर रूल्स चेंज हो रहा है। तो इसलिए आप लोग जो अपने एयरलाइंस है वहाँ पर कॉल करके ये कंफर्म करें। और जो बताए दोस्तों, अगर 1 अगस्त से और भी कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, तो उन्होंने पहले कहा था कि प्योर हेल्थ का जो लैब है वहाँ से आपको करना पड़ेगा अपना कोरोना टेस्ट। तो जो लोग इंडिया से आ रहा है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो वो लोग कहा था कि प्योर हेल्थ का जो लैब है UAE गवर्नमेंट एफिलेट वहाँ से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी उन्होंने इंडिया के लिए कहा है कि ICMR का एफिलेट जितने सारे लैब है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपका एरिया में प्योर हेल्थ का कोई लैब नहीं है तो आप वो ICMR एफिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट जो एफिलेट लैब है उन सब लैब को इंडिया जो UAE गवर्नमेंट ने मान्यता दे दिया है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में प्योर हेल्थ का लैब नहीं है तो ये भी आप
पहले अपने एयरलाइन से पूछे, जब आप टिकट बुक करेंगे, जब जिस एयरलाइन से आप सफ़र करेंगे वहाँ से पूछे कि हम कहाँ से टेस्ट कराएं, प्योर हेल्थ का लैब और ICMR का लैब से। तो ये भी कन्फर्म करना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर रूल चेंज हो रहा है। और जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उन लोगों को तो चुगताई लैब और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब, ये दोनों लैब उन लोगों के लिए अप्रूव्ड है। अगर ये दोनों लैब छोड़ के आप किसी और लैब से टेस्ट करोगे तो ये अप्रूव नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए है। तब भी आप लोग अपने एयरलाइन से पूछे, जब आप पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, श्रीलंका से आए, आप अपना एयरलाइन से पूछे पहले हम कहाँ से कराएं। और जो है दोस्तों, कुछ एयरलाइंस का रूल्स है 96 घंटे के अंदर, कुछ एयरलाइंस का रूल है 72 घंटे के अंदर। तो ये जो टेस्ट करना होगा, तो मेरा कहना है आप 72 घंटे के अंदर करें तो ये सभी एयरलाइंस में मतलब ये अप्रूव होंगे 72 घंटे। तो ये भी आप ये कर सकते हैं, आप बात जो आप टेस्ट कराए जब आप करवाएंगे तो आप अपने एयरलाइन से पूछे, कस्टमर केयर से फोन कॉल करें, आप से चाहे वो एथियाड और एयरवेज हो, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस, चाहे वो पाकिस्तान जो इमिरेट्स एयरलाइन हो, आप जिस कंट्री से हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से आ रहे हो, तो आप जिस एयरलाइन में सफ़र करोगे उस एयरलाइन से पहले पूछो हम कितने घंटे के अंदर ये टेस्ट करवाएंगे, तो ये कन्फर्म हो जाएगा। ये भी तो ये कुछ दोस्तों अपडेट था। और दोस्तों और एक बात है, 1 अगस्त से जो लोग दुबई आएंगे, तो दुबई अगर आप दुबई में लैंड करोगे तो दुबई लैंड करने के बाद फिर से आप लोगों का जो PCR टेस्ट मतलब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और ये जो तो यह जब लैंड करने के बाद आपका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ये तो ये गवर्नमेंट दुबई गवर्नमेंट करेंगी, इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और अगर आपका जो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पर लैंड करने के बाद जब आपका टेस्ट होंगे तो पॉजिटिव आते हैं तो आपका क्वारंटाइन में रखा जाएगा, आपको ट्रेन पे ट्रीटमेंट किया जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको अपना खर्चा आपको भरना पड़ेगा, मतलब ये जो अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ये देना पड़ेगा। देखिए दोनों PCR टेस्ट, मतलब आप अपना कंट्री से जब आओगे वहाँ से एक PCR टेस्ट करना होगा, और यहाँ पर दुबई लैंड करने के बाद ही एक PCR टेस्ट होंगे आपका 1 तारीख, मतलब अभी अगस्त से जो लोग सफ़र करेंगे। तो इसलिए आप MEH एयरलाइन आप सफ़र करें, MEH एयरलाइन ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा अगर आपकी यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं तो। अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और जो बात है, जो लोग ICMR इंडिया से आ रहे हैं और तो उन लोगों के पास भी जो आप जब टेस्ट करेंगे ना अपना कोरोना, उसका प्रिंट कॉपी भी आपके साथ रखें, 3-4 कॉपी अपने साथ रखें। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से आ रहे हैं, सब लोग अपना साथ भी अपना ये कॉपी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था, ये कुछ बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मेन जो बात है दोस्तों, जो लोग जिन लोगों के पास ICA का अप्रूवल है वो लोग मतलब UAE का जितने सारे एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, चाहे वो दुबई हो, शारजा, अबू धाबी, रस अल कैम, सब जगह। और जिनके पास GDR का अप्रूवल है वो लोग सिर्फ दुबई और शारजा लैंड कर सकते हैं। दुबई तो लैंड कर ही सकता है क्योंकि GDR का अप्रूवल दुबई के लिए है, लेकिन शारजा अगर आप शारजा लैंड करना चाहते हैं तो आप पहले अपने एयरलाइन से पूछे, हम शारजा लैंड कर चाहते हैं तो मेरे पास GDR का अप्रूवल है तो मैं कर पाऊँगा नहीं। तो ये तो देखिए जो गल्फ न्यूज़ है वहाँ पर पब्लिश हुआ है, लेकिन आप लोग कन्फर्म होने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर रूल्स चेंज हो रहा है। और जिनके पास ICA के अप्रूवल है वो तो अबू धाबी, शारजा, रसलगाम सब जगह लैंड कर सकते हैं, लेकिन आप दुबई भी लैंड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप दुबई, आप जिस एयरलाइन से अगर दुबई लैंड करना चाहते हो तो आप अपने एयरलाइन में कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पर पूछो हम दुबई लैंड कर सकते हैं क्या, मेरे पास ICA के अप्रूवल है। तो ऐसे ही आप कल कन्फर्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यही दोस्तों कुछ बताना था। अगर इसके बारे में और कोई अपडेट मेरे पास होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नया कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होंगे। बस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि सब लोग को पता होना चाहिए, और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे कोई नए वीडियो, नए अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।